उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज हिंदू युवा वाहिनी के दर्जनों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मुरादाबाद में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन दिया। प्रदर्शन करने वाले हिंदू युवा वाहिनी के मुरादाबाद प्रभारी अंकित शर्मा ने कहा कि अगर जिला प्रशासन और पुलिस इन अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्यवाही नहीं करता है तो वह फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। प्रदर्शन करने वालों का आरोप था कि शहर के अलग अलग इलाकों में ये रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन सब की जानकारी पुलिस को भी है लेकिन पुलिस उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने वाले हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का मुरादाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप है। प्रदर्शन करने वाले हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वे कई बार मुरादाबाद पुलिस के अधिकारियों को रोहिंग्या मुसलमानों के रहने वाले स्थानों की और संख्या की जानकारी दे चुके हैं लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और ये रोहिंग्या मुसलमान लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया है ये रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए दिया गया है जो कि मुरादाबाद के अंदर प्रवेश कर गए हैं और वो अवैध रूप से रह रहे हैं। ये संबल फाटक और थाना भगतपुर, अगवानपुर और रेलवे स्टेशन की तरफ सब लोग इकट्ठे होकर रह रहे हैं और ये रात में चोरी चकारी करते हैं और लूटपाट की घटनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ये कभी किसी की चैन खींच लेते हैं, कभी किसी का मोबाइल लूट लिया, कभी किसी के पैसे छीन लिए। तो इस संबंध में आज हमने अपनी जिलाधिकारी महोदय से मांग रखी है इन पर तत्काल जल्द से जल्द कार्रवाई कराई जाए। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी को लेटर लिखकर इन पर तत्काल रूप से कार्रवाई कराई जाएगी। ऐसी कोई घटना जो हाल फिलहाल में हुई हो इनके द्वारा? हाल फिलहाल में अभी मेरे एक संज्ञान में आया था, किसी के पैसे छीन लिए थे तो रात का समय था, लगभग 11:30 बजे का। मुंह पे उसने फेस अपना कवर किया हुआ था, मास्क लगा हुआ था और उसने किसी कपड़े से, काले कपड़े से मुंह कवर कर रखा था और वो उसने उसकी पैसे छीने और उसने मुझे फ़ोन किया रात में, बोले भैया इनको संज्ञान लो। इसी चक्कर में आज हमने इसकी 2-3 दिन से हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। ये लोग किसी विशेष लोगों को टारगेट करते हैं या फिर सभी के साथ इस तरह? ये सभी के साथ टारगेट करते हैं क्योंकि ये सभी देशवासियों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये क्रिमिनल लोबी के लोग हैं तो इनकी कोई भी किसी प्रकार का कोई ऐसा इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नुकसान। क्या संख्या रही होगी मुरादाबाद में? संख्या इनकी मुरादाबाद में हजारों की उसमें है लेकिन ये अलग अलग ग्रुप बनाकर रह रहे हैं। कहीं पे 50 फैमिली रह रही है, कहीं पे 20 फैमिली रह रही है, कहीं पे 30 फैमिली रह रही है। डीएम साहब को आज आपने इन सब बातों से अवगत कराया, क्या आश्वासन डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, आपका ज्ञापन हमने ले लिया है और इसकी मैं जांच करवाऊंगा और तत्काल अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई भी करेंगे। आगे की नीति क्या होगी? अगर आगे की नीति यही कि अगर डीएम साहब कार्रवाई कराते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम अपने हिंदू युवा वाहिनी अपने आप में सक्षम है। परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी को और अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को लेटर लिखकर हम इस पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं।